नवादा में साइबर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं पर आपको बताते चले कि जहां 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 25 मोबाइल, 22 नोटबुक एवं काफी संख्या में कस्टमर डाटा भी बरामद किया गया है। पकड़ाए गए अपराधियों से पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग कस्टमर डाटा में उपलब्ध नंबर पर फोन कर बोलते हैं कि आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है और फिर इस नाम पर ठगी करने का काम शुरू कर देते हैं। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं इस विजुअल के साथ। अधीक्षक महोदय नवादा के द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी का निर्देश दिया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 7/10/2023 को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम गोसपुर के बगीचा में एवं मीर बीघा के बधार में साइबर अपराधियों के द्वारा साइबर गतिविधियां की जा रही हैं। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी बुरामा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष वारसलीगंज एवं बजरा की टीम एवं जिला के स्वाट की टीम के द्वारा का गठन किया गया और ये सारी टीम मिलकर उक्त सूचना का सत्यापन एवं गिरफ्तारी हेतु उक्त स्थल की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के क्रम में साइबर अपराधियों जो इस काम में संलग्न थे उन लोगों को घेराबंदी क्रम में भागने के क्रम में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ भागने में सफल हुए हैं जिनकी पहचान की जा रही है और पहचान के बाद उन्हें भी त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार की जाएगी। जिन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से एंड्रॉयड मोबाइल जिसकी संख्या 19 एवं कीपैड मोबाइल जिसकी संख्या 6 यानी कि कुल मिलाकर 25 मोबाइल जब्त की गई है और कस्टमर डाटा करीब 115 पन्ने का बरामद किया गया है। साथ ही नोटबुक 22 की संख्या में बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ जारी है और साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। इन अपराधियों का काम ये रहता है कि ये भोले भाले लोगों को लोन के नाम पे, खासकर जो ये अपराधी पकड़े गए हैं ये धनी फाइनेंस के नाम पे लोगों को ठगते हैं और उन्हें प्रलोभन देते हैं। जो भोले भाले लोग हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं और उनसे ये जो है अवैध तरीके से उनके खाते से या फिर उनके अन्य माध्यमों से उनसे राशि वसूल करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे टीम के द्वारा, खासकर बारसलीगंज टीम के द्वारा जिला से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में सघन छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी लगातार चलती रहेगी। और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्षेत्र में वैसे अपराधी हैं जो साइबर से जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तारी की जाए। धन्यवाद।